सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उठारा देसी पत्रकार करमूं। हमारे जो खास कार्यक्रम चल रहे हैं देसी मुलाकात, इससे पहले हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें हमारा भीतर की बात और भीतर की बाप कार्यक्रम चल रहे थे। तो भाई ईब जब बात करूँ तो लोकसभा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया, और इसकी जब एक और ऑब्जर्वेशन देखा तो 79 विधानसभा पर मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 79 जगह पर जीत दर्ज कराई है। इसका मायना सीधा लिख रहा है भी आने वाले जो चुनाव है ईब, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इलेक्शन का वर्ष है भाई, इलेक्शन का ही साल है, तो भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में है कि भाई ईब जो चुनाव होंगे विधानसभा के हरियाणा में उसका जो डमडमा बैज गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दोबारा तक कमल खिलावेगी और पूर्ण रूप से बहुमत में लेकर सत्ता में आवेगी। तो उसमें कितने की सच्चाई है, कितने पार्टी को मजबूत मिल सके हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, हम नेताओं के साथ देसी मुलाकात हमारी चल रही है। तो जिस नेता तो ईब में मिलवाने जा रहे हूँ भाई, 1979 राजनीति में है, 39 साल का लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, राजनीतिक करियर है। और भाई 2014 की हम बात करें, 2014 में जिस पार्टी तक लगातार वो जुड़े रहे इन्हें लोकता, 2014 में पार्टी को अलविदा कर दिया, 2014 तक आगे भारतीय जनता पार्टी में मौका पे प्रदेश कार्यकारिणी के वो सदस्य हैं। और भाई नाम भी देसी है, नाम है लीला राम गुजर, और प्रधान जी का नाम तो मशहूर है, मार्गल मौजूद है हमारे दर्शकों ने, राम राम करते जी। राम राम जी, देसी मुलाकात में स्वागत है प्रधान जी आपका। धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी का पिछला लॉजिक बता दो पहले, तो प्रधान जी का रुख पड़ा, हालांकि एक और भी नेताड़ है उन्हें भी प्रधान जी कहे, आपने प्रधान जी कह दिए, तो प्रधान जी के पीछे क्या लॉजिक है? ऐसे है भाई करमू जी, मैं RKSD कॉलेज कैथल से MA की है मैंने। अच्छा जी। और हमारे समय में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब छात्र सभा के चुनाव होते थे, और यहाँ पर हमने छात्र सभा के चुनाव लड़वाए, और 1984-85 में मेरे को भी साथियों ने चुनाव लड़ाया, और जब मैं प्रत्याशी बनाया RKSD कॉलेज में तब दोस्तों में छात्रों में एक ही बात थी, अगर लीला राम कैंडिडेट आ गया तो वो चुनाव जीतेगा, और तब मैं चुनाव एक तरफा ही उससे जीत गया था कॉलेज में। मेरे समय में कॉलेज में 6000 छात्र थे और हम 12 बार में से 10 बार कॉलेज का चुनाव जीते। 10 बार मतलब एक तो है सर्वसम्मति, एक बार वोटिंग के और एक बार धक्का शाही थे, किस हिसाब से जीते? वोटिंग से वोट पड़ती थी, धक्का शाही तो पढ़े लिखे छात्रों में नहीं चलती। अच्छा। तो 10 बार हमने चुनाव जीता, और तब से जो हमारे से छोटे छात्र होते थे, जब मैं प्रेसिडेंट बना उधर मैं इंडियन नेशनल लोक दल का भी हल्का कैथल का प्रेसिडेंट था, प्रधान था, तब वही मेरा नाम लेने की बजाय हर साथी प्रधान जी वो मेरा 10 बार प्रधान, एक बार रह ले प्रधान को उसे ने प्रधान जी वही नाम बना दिया, और आप 10 बार रहे तो प्रधान जी प्रधान। सही बात है, सही सही बात। तो मैं जिस टाइम मैं पैदा हुआ था उस टाइम 5 साल पहले था, आप राजनीति में आ गए थे, क्योंकि 84 में मेरा बर्थ है, आप 79 में आएगी राजनीति में, 79 में मैंने 79 में आएगी इंडियन नेशनल, जब तो लोकदल होता था, लोकदल और चौधरी देवीलाल का नेतृत्व था, उसमें सदस्यता ग्रहण करी थी 1979 में। अच्छा जी। अच्छा आपने कहा भी 10 बार हो रहा और आपको भी छात्र समझदार हुए रोले रब दे, लेकिन उस चीज़ को भी नहीं आप नकार सकते जो जाट गुजर रोले हार दे, ये थोड़ा है तो मेरा कड़वा सवाल, लेकिन आपका जवाब जरूर चाहूँ, क्योंकि कैथल में यू जो रोला रहा था तो RKSD कॉलेज का रोला जो रहा था यू पूरा हरियाणा मशहूर हुआ था बहुत, उस समय के भी आप उसमें प्रतिभागी रहे हो। नहीं सही बात है आपकी, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज था, यहाँ हिसार के राखी गढ़ी से हमारे कई साथी थे उनके एडमिशन थे, जींद के बलवान था, कबड्डी का बहुत अच्छा प्लेयर था, उनके जींद तक के छात्रों के यहाँ एडमिशन होते थे, और यहाँ तो एक ही कॉलेज था कैथल में, चीका में, पेहवा में, इवन के कुरुक्षेत्र तक के छात्र यहाँ आते थे। कितना टाइम से, कब से, काफी पुराना है? हाँ 1954 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, और हमने MA पॉलिटिकल साइंस इसी कॉलेज से किया था, तब वैसे छात्र अपनी वोट बनाने के लिए नाम रख देते थे, ये जाट ग्रुप है, ये गुज्जर ग्रुप है, जबकि जो गुज्जर ग्रुप के नाम से था उसमें बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में जाट भी थे। नहीं और गुट हो जाए तो कोई बात नहीं, एक तो गुट हुआ है, फिर गुटम गुट हो जाए ना, वो गड़बड़ हो जा रही, गुट है जाट गुट गुजर गुट, फिर वो गुटम गुट, उसमें मतलब आपकी क्या भूमिका रहा थी?
तो ऐसे था ना, चुनाव होता था और इनडायरेक्ट चुनाव होता था। मान लो साथी जीत गया और वो है हमारे ग्रुप का, तो हमारे ग्रुप वाले को हम तो स्वाभाविक लेके जाएंगे ना साथ। दूसरा ग्रुप वाले कहते हैं ये तो मारा है, मारा है। हम कहते थे हमारा है, और उसी बात पे वहां पर धक्का मुक्की हो जाती थी। प्रधान जी तो, हाँ जी, परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हम हर बार ले जाते थे, ले जाते, कभी छोटा नहीं, हमने प्रधान की ना ले जाते थे, लीडरशिप वोटर को भी, वोटर को भी ले जाते थे, ले जाते कभी। और एमए भी पॉलिटिकल साइंस, तो एमए पॉलिटिकल साइंस, फिर तो वो असर तो पड़ना है उस चीज का। नहीं कर्मू भाई, मैं एक बात और बता दूं, जब से 1954 से कॉलेज बना था और 1984-85 तक हम तीन छात्र थे मेरे गाँव के, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हम उजाणा के थे। अच्छा जी। और मैंने जो चुनाव लड़ा था वो कॉलेज में टॉपर के बेस पे चुनाव लड़ा था, योग्यता के दम पे, योग्यता के दम पे चुनाव लड़ा था। और उसका दूसरा उदाहरण ये है कि अभी आपने अखबारों में और मीडिया में भी देखा होगा, मेरे गांव का मेरा क्लास फेलो सुरेश मित्तल नरवाणा में लेक्चरर है, उसका बेटा ने IAS पास किया है, वो भी मेरा क्लास फेलो था, उस लड़के का फादर ध्रुव मित्तल ने IAS पास किया जी, मेरे गांव से है, और 99 रैंक आया, इतना अच्छा रैंक आया उसने, पूरे गांव उजाणा का, कैथल हलके का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का काम किया। मैं उसके साथ ये बता दूं, ध्रुव मित्तल के पिताजी भी हमारे कॉलेज में टॉपर थे। अच्छा, कॉलेज तो ऐसा रहा, इसमें बहुत से नेता भी दिए हैं, घने नेता भी लिखे इसमें तो बन बन गए। हाँ जी, हमारे से पहले बहुत साथी, नरसिंह डांडा जी हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट के वजीर रहे, चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्नों में से एक उनका नाम आता था, रामपाल माजरा जी यहाँ से MLA बने, CPS थे, बलवीर सैनी जी जो पेवा में MLA बने, मंत्री बने, बुट्टा सिंह जी सीवन से वो यहाँ से विधायक 76 रहे, MLA बने, और 2000 में खुद बन गए, अमर सिंह जी गुला से MLA बने, यही कॉलेज के 76 रहे, और मैं खुद भी यहाँ से, मेरे से पहले सुरेंद्र मदान इस RKSD कॉलेज का छात्र रहा, यहीं से MLA मंत्री बने, शायद रोशनलाल तिवाड़ी नहीं रहे होंगे, परंतु इसी कॉलेज से रहे हम जितने भी थे। तो आपने 2000 में वो लड़ा, 91 में शायद थोड़ा उस तरह हार भी गए थे, पहला चुनाव था जो आपका 1991 में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को चुनाव लड़वाया, टिकट दी, कितनी वोटें डाल दी, और 72 में 1500-2000 वोट से चुनाव लूज किया था। कारण कोई, और उस टाइम हमारा एक साथी था, उसने भी आजाद चुनाव लड़ लिया था, और हम ओवर कॉन्फिडेंस में, असली तो कर्मू भाई ये बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव आ रहे, हमें देख रखी थी पहले, हमारे को ये था कि कैथल में हमारे को कोई चुनाव नहीं हरा सकता, कोई भी है, कोई टक्कर में नहीं है। हाँ जी, तो उसमें हम नए नए कॉलेज से निकले थे, असली बात तो ये थी कि हम चुनाव को सही तरीके से लड़ ही नहीं पाए, एक छत्र सभा का चुनाव समझ करके ही चलते रहे। मेरे टाइम में 9 राउंड में गिनती हुई थी, 8 राउंड तक भी मैं आगे रहा था, 9वें राउंड में एकदम चुनाव लूज कर गया था। मतलब इस बात का आपने उम्मीद भी थी भाई, हमने सोचा भी था भी हम चुनाव हार देंगे, क्योंकि उससे ठीक पहले पिछले चुनाव जो आम चुनाव थे 87 वाले, उसमें बहुत जबरदस्त लोग, सुरेंद्र मदान जी यहाँ से जमे हल्के का प्रेसिडेंट था, सुरेंद्र मदान थे, एक तरफा चुनाव। कितनी मांगी टिकट आपने? तब तो मैं बेरागुंदा निवास छात्र था, और मेरे को सच तो ये है कि मैं उस समय ये सोचता था कि नौकरी करेंगे, नौकरी लगेगी, नौकरी तक दिमाग की सोच वहां तक सीमित थी। मेरे को तो 91 में भी मैं खुद नहीं टिकट मांगू था, मेरे दोस्त मित्रों ने टिकट मांगा था, और वही टिकट लेकर के आए थे, और उन्हीं ने चुनाव लड़वाया था, सारे पैसे जितने लगे थे सारा दोस्त मित्रों ने खर्चा किया था। 35 साल तक लोकदल से जुड़े रहे, इनेलो से जुड़े रहे, उसके बाद छोड़ दी, क्यों ऐसा? मैंने चुनाव, मैं जैसे कि 91 में 1991 में चुनाव लड़ा, और शायद हरियाणा में मैं सबसे कम वोटों से चुनाव हारा भी था। तो 1996 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने निर्णय फैसला लिया कि लाला चरणदास जी को चुनाव लड़वाया, और हमारे गुज्जर बिरादरी के 12 से 14 गांव हैं, सभी गांव में लाला चरणदास जी एक तरफा चुनाव जीतते थे तब, और वो 4000 से MLA बने। फिर उन्होंने कोई भी वजह रही, कोई कारण रहा, पार्टी छोड़ दी, लोकदल को छोड़ दिया, और वो हबीबपा में चले गए, चौधरी बंसीलाल के साथ जाकर के मंत्री बन गए। जिसने जड़ा देखी जंगा जड़ा उड़ा, मेरी सूत है इसके, 2000 में अपनी आई में कोई घाट निकाल, सच्चाई है। 2000 में फिर पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ाया चौटाला, हमने
और मेरे चुनाव में पूरे कैथल शहर ने एक तरफी पोलिंग करके मेरे को 18,000 वोट से चुनाव जितवाया। उसके बाद जैसे 2005 का चुनाव आया, हमने पूरा 5 साल मैंने मेहनत की, हजारों बच्चे उसमें नौकरी भी लगे। तो 2005 में चुड़ाला हमने मेरी जगह क्लास भगत जी को चुनाव लड़ाया और हमने क्लास जी के काम लिए काम किया, दिन रात मेहनत की और क्लास भगत भी हमारे 14 उसका मैं बताता हूँ आपको, ऊपरला और भीतर वाला तो हमने कभी मेरी जिंदगी टिकट नहीं मिला, तो थोड़ा नहीं मैं बताता हूँ आपको, हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं छोटे भाई करमू। 2005 में जब चौटाला साहब ने निर्णय लिया कि क्लास भगत चुनाव लड़ेगा, क्लास भगत जी सिर्फ हमारे गुजरों के 14 गांव में एक तरफा चुनाव जीते। मेरे गांव में कुल 700 वोट थी, 350-400 वोट की तो क्लास भगत जी की लीड थी। केवड़ के गांव से 2500 वोट की क्लास भगत जी की लीड थी और हमारे जो मेरी बरादरी के गाँव थे सभी गाँव में 5500 वोट से क्लास भगत जी एक बार नहीं दोनों बार सारे के सारे गुजरों वाले गांव में चुनाव जीत करके आगे गए। वो तो वहीं जाकर के शहर में जाकर के चुनाव हारता था, हमने कभी उसको चुनाव नहीं हारने दिया जब तक उसके साथ रहे। अब आप इसका आइडिया लगा लो कि हम ऊपरले मन से थे भीतरले मन से थे, टिकट मिले नहीं, फिर दूसरी पार्टी भी देखनी थी क्योंकि आपके कुछ साथी भी थे जो पार्टी बदल दे गए, फिर आपने भी देखना था। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या खूब भी लगी भाई, आप उन्होंने आप मतलब पार्टी वाले ना बुलाए अगर आप पार्टी का टंगे, मतलब क्या सिस्टम रहा? नहीं फिर तो पूरे हिंदुस्तान में भी पार्टी थी, कांग्रेस भी थी। हाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर चल पड़ी और हिंदुस्तान के जनमानस को, जैसे मैं कह रहा था भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, MA पास किया है, हमने भी लोगों की नब्ज टटोली, लोगों के मन की बात को जानने का काम किया। लोगों का मन पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रहा था और उसी को देखते हुए मैंने भी अपने साथियों से विचार विमर्श किया। सारे साथी कहने लगे भारतीय जनता पार्टी ठीक है, इसलिए मैं अकेले की राय नहीं थी, सारे साथियों की सलाह से ही भारतीय जनता पार्टी में गई थी। जो वॉलंटियर थे, जो कॉलेज टाइम के साथी थे, काफी मेरे से पहले प्रेसिडेंट भी रहे थे कॉलेज में, जैसे ओम प्रकाश राठी था, चंद्रवाहन जी देवरा है, हरपाल शर्मा केवड़ थे, मेरे गांव के बुधराम जी थे, काफी शहर के लड़के थे, दिनेश गुप्ता जी, अश्विनी शर्मा जी। हाँ जी, तो प्रदेश कार्यकारिणी में मौका मिल गया शामिल होने का, सदस्य बन गया उसमें। हाँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अच्छा, जिस तरह पार्टी का जो परफॉर्मेंस की बात कराऊँ, जींद का बाई इलेक्शन, लोकसभा के नतीजे और नगर निगम के नतीजे रहे थे पीछे, तो उससे पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा यार और सारी बातें होंगी, या तो हो गया प्लस पॉइंट। एक जो वीक पॉइंट बना है वो यूँ बना है भाई, पार्टी में टिकट लेने वाले की मारा मारी आपा दापी गणी है, हर विधानसभा क्षेत्र से 10-10 खड़ी हो रही है, मैं टिकट लेऊंगा, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा। तो उस जो वह जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए कहाँ तक तैयार खड़े हो अपने आप को? मतलब मतलब कहने की बात है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा टिकट भी कहें पार्टी में, टिकट भी कहें पार्टी में, टिकट बिकने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा गरीब से गरीब समाज के लोग, गरीब टाइप के लोग भी विधानसभा में गए हैं, परंतु जब हम इनेलो में थे ना, जोर पार्टी की लहर होती थी, चौटाला साहब एक बात भाषण में कहते थे, भाई मिठे पे भरिंड चंदैया तैया आ जाता है। तो वही बात अब हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा में नहीं कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में लगा लो, चाहे वो विधानसभा है या चाहे लोकसभा है, आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है और पार्टी की किसी भी पार्टी को जो साथी राजनीति करते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा तो होती है कि मैं भी विधानसभा का मेंबर बनूं, मैं भी मेरी भी पार्टी में कहीं सरकार में हिस्सेदारी हो, सारे लोगों भी विधायक बनूं या मंत्री, हिस्सेदारी हो। जैसे 5 साल पहले हमें भी ये था कि, और पार्टी की तरफ से कहा भी गया था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, तो ऐसे हर आदमी का मन इसे शर्त पर शामिल हुए थे? नहीं, शर्त कुछ नहीं थी, परंतु ये कहा गया था कि आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, हमने उसका सर्वे करवा लिया कराया गया है और आप पार्टी में आइए, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और तब मैं पार्टी में आया और अब 5 साल से काम कर रहे हैं।
प्रधान जी आपने लहर की बात करी, नू लगता यू लहर कहर बन जाएगा कई बार जो टिकट मांगने वाले 10 हो गए और जब टिकट एक ने मिली तो 9 तो टांग खींचने वाले रह जाएंगे। मान लो सपोज करो आपने टिकट मिल गई और जो इनपुट है वो ये अभी अभी एक दो का नाम उछल उन मुताब भी शामिल हो टिकट अर्थियों की लिस्ट में और आपने टिकट मिल गई, जिन्हें नहीं मिली वो तो फिर उनका क्या इलाज? नहीं, उनका एक इलाज है, वो सारे साथी आज नरेंद्र मोदी जी में मनोहर लाल जी में उनकी आस्था है, सारे पार्टी का काम करेंगे। जैसे मान लिया आपने कह दिया अभी मेरे को मिल गई, मैं कहता हूँ मान लो मेरे को ना मिले, किसी और साथी को टिकट मिलेगी चुनाव लड़ेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। जो कैलाश भगत की करी थी, हाँ जी करी जी, आपके जी सामने आप तो मेरा वो कह रहे थे कि भीतर अंदर बाहर कुछ, और मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया कि हमारे 14 गांव गुजर बिरादरी के हैं, कैलाश भगत जी एक बार नहीं दोनों बार सिर्फ हमारे गुजरों के गाँव में ही जीते, और मैं ये भी बात आपको बता दी एक तरफी हमने जीत दिलवा करके उनको भेजी थी। 96 में मेरी टिकट काट के लाला चरणदास को दी थी, हमारे सभी गांव में जीते थे और वो भी तब मात्र 4000 से MLA बने थे। अच्छा टिकट कटने पर आप नाराज हो जो हो, ईब जब टिकट कट गई तो फिर कौन सी पार्टी की तरफ? नहीं मैंने कह दिया ना इनेलो में मेरी एक बार थोड़ी कटी है। अच्छा कई बार कटी, 4 बार टिकट कटी थी, 96 की, अच्छा अच्छा 2005 की, 2014 में तो मांगी कौन थी आपने? 2009 की, 87 में मांगी नहीं थी। पछतावा तो होगा? नहीं पछतावा तो जब 91 में लड़े ना और मात्र थोड़ी सी वोटों से चुनाव लूज करा, तब मन में मेरे साथियों ने कहा कि भाई लीला राम अपन तो यार 87 में लड़ना चाहिए था। अच्छा तो वो तब बात आई सामने कि चुनाव मतलब वह जो जीत में शामिल होने का मजा अलग था, अलग क्योंकि बड़ी जीत थी, 85 सीट आई थी लोकदल की। तो 40 साल का राजनीतिक अनुभव हो गया और नू कह रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के चल रहे हैं आजकल राजनीति वाले, भाई इन्वेस्टमेंट प्लान है इतने इन्वेस्ट हो जाएंगे इतनी आउटपुट आ जाएगी, राजनीति को एक बिजनेस बना दिया। 40 साल का आपका तजुर्बा है और मेरे पर जो इनपुट है, आप जब विधायक बने थे 2000 में उसका बाद भी एक आध बार आप साइकिल हो भाई, हम तो देसी से मानस साइकिल 40 साल बाद भी ताम धाम सा कुछ खास सा जोड़ नहीं पाए, इसका पछतावा है? नहीं कोई पछतावा नहीं, मैं एक बात ईमानदारी से मंच माइक के सामने बोल रहा हूँ, हमने कभी भी मन में ये नहीं सोचा कि MLA बनेंगे या उससे ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे और कोई पैसे कमाएंगे भी, ये तो एक संकल्प लिया था कि इस टाइप का काम कोई भ्रष्टाचार का काम करेंगे नहीं। और मैं आज 20 साल पहले विधायक बना था, मेरे को इस बात की खुशी है कि शायद मेरे पूरे शहर में 1 लाख वोट है, 1 लाख देहात की है, शायद एक वोटर भी कोई 1 रुपए का भी एलिगेशन नहीं लगा सकता। और जब मैं टिकट मांगने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास जाता था ना, शायद मैं अकेला आदमी होगा जो चौटाला हर को डंके की चोट पर कहता था, मैं चौधरी साहब मेरी किसी भी बात में आपने कोई भी बैड स्मेल कोई बदबू नहीं आएगी। और हमें इस बात की खुशी है कि मैं 5 साल विधायक रहा, सरकार में रहा, बहुत काम हुए, तो हमने कभी किसी की जेब की तरफ देखा भी नहीं। अच्छा प्रधान जी आज के टाइम की जो राजनीति है और जो पहले के टाइम की राजनीति है उसमें आ गया दिन रात का अंतर। ईब की राजनीति में चकाचौंध ग्लैमरिंग दिखावा बड़ा गेटअप सेटअप बनाना पड़ा पूरा सिस्टम, चर्चा प्रचार खर्चा सारा कुछ चल रहा है। ठीक है तो ईब आपने तुम्हें जोड़िया नहीं इतना कुछ खास और आपने को भी मैं तो अपना शादी बोली राजनीति करी है, चर्चा प्रचार खर्चा की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ, देखो जो लोग चकाचौंध में रहते हैं उनको इस चीज की जरूरत रहती है, परंतु जितने चकाचौंध वाले उदाहरण है ना उतने ही आप दूसरी साइड में आइए। मैंने चुनाव लड़ा, मैं डंक ये कहता हूँ आपके सामने कि मैंने 2 विधानसभा के चुनाव लड़े, ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरा जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, मित्र पहले कर दे, मेरे पास दोनों बार पैसे बचे हैं बचे। अब मैं एक बात और सोचता हूँ कि मेरे साथ अनिल विज जी MLA थे, शायद उस आदमी ने कभी 1 रुपया चुनाव नहीं खर्चा हुआ। आप और सारी बात छोड़ दियो, आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, क्या सोचते हो आप उन्होंने कोई पैसे खर्चे होंगे? अब वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई पैसा खर्चा? खुद पे कौन खर्चा करते, दलिया खा ले कुर्ता पजामा दलिया जो मिल और इस टाइप के आदमी है जमीन पे चादर बिछाई सो गए, जो मिल गया खा लिया। शायद मेरी अपनी सोच है कि उसके चुनाव पे 1 रुपया ना पहले खर्च हुआ और ना शायद वो आगे खर्च करें। अच्छा सुनो एक सवाल और है, बुनियादी सवाल नहीं, इससे आगे एक और बताऊंगा, बता दो तो आप भी खड़े लो। जब आदरणीय
प्रधानमंत्री जी का शपथ समारोह था, पूरा हिंदुस्तानी पूरे विश्व के लोग टीवी पर देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली पूरे विश्व में खुशी की लहर थी, पर आपने उनके बीच में एक और देखा होगा जी। एक उड़ीसा से सारंगी जी हैं, जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली शायद पूरे जब उनका परिचय करवाया गया शायद हिंदुस्तान के लोगों ने उनका भी स्वागत तालियां बजा करके किया था। और उनके चुनाव पर भी ये कहते हैं कि एक रुपया भी उनका कोई खर्च नहीं हुआ। हाँ, ये एक रिकॉर्ड बन गया। इस टाइप के उदाहरण बहुत ज्यादा हैं, आज भी हरियाणा में भी है और हिंदुस्तान में भी है। अच्छा जी, राजनीतिक चर्चा कर लेंगे अगले, क्योंकि है तो सारा ही राजनीतिक। मैं तो सोचता हूँ पोलिटिकल और नॉन पोलिटिकल इंटरव्यू ले लूँ दोनों डाल का आपका, लेकिन टोटली राजनीतिक इंटरव्यू बन गया। चेहरे तो वही हैं, पार्टी बदल गई। कैलाश भगत भी इनेलो में था, आप भी इनेलो में थे, वो भी आज बीजेपी में, आप भी बीजेपी में हो, राव सुरेंद्र भी। कैलाश भगत वाले ज्यादा मान सकूं क्योंकि उसके लिए ज्यादा रहा आपका। तो ई भी कंपटीटर वाली मान का बात जख रहा तो ई आप अपने आप को उस मतलब टिकट वाली रेस में ऊपर मानो हो, नीचे मानो हो, या टक्कर मानो हो? नहीं, जहाँ तक टिकट वाली बात है, मैं इसमें भी क्लियर बोलूंगा, देखो वो पार्टी ने लेना है पार्टी ने, परंतु जहाँ तक टिकट वाली बात मैं उसमें तो मैं मेरे कैलाश जी को बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, मैं मेरे मुकाबले में कहीं भी नहीं समझता। राव सुरेंद्र ने धक्का लेने लग रहे, आप मन तो नाम भी लिया उसका तो नहीं, पर वो भी मेरा भाई है, साथी है, हम तीनों कट्ठे नैलो में भी रहे हैं। उन्होंने उस पिछली बार उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और हमने ईमानदारी से कहूंगा आज हमने उनका चुनाव दिल से एक वर्कर बन के लड़ा, ना कि एक XML बन के। फिर एकदम मिली थी टिकट दोपहर तो पहले तो वो पार्टी का निर्णय तो मेरा नहीं था ना, मैं अपनी बात कहता हूँ। आपने कहा भी क्लास से ऊपर समझते हो नीचे, दोपहर तो पहले तो आज का की भी थी। अगर पार्टी मेरिट देख के टिकट देगी तो फिर क्लास जी मेरे सामने कहीं नहीं। अगर पार्टी निर्णय लेती है क्लास लड़ेगी, फिर क्लास ही लड़ेगा, फिर हम उसका चुनाव भी लड़ेंगे। आप क्लास छोड़ दोगे? नहीं नहीं, क्लास का चुनाव लड़ेंगे। क्लास मरोगे भाजपा क्लास में? भाई मैंने दो बार क्लास का चुनाव इनेलो में लड़ लिया। अच्छा अच्छा, उन चीजों की तो वही प्रैक्टिस, उन बातों से तो अब बहुत दूर है। अच्छा अच्छा, पार्टी जिसको टिकट देगी उसका ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शन लो हैं, सरगर्मियाँ तेज हैं, तो ग्राउंड पे इलेक्शन जीतने खातर चर्चा प्रचार खर्चा की तुमने बात कर ली, फिर होगा अगर वॉलंटियर कार्यकर्ता आपके पिलर, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग मजबूत है तो उसके पिलर के ऊपर निर्भर हो आपके, जो अपने आप उन पिलर को हो, छोटे भाई मानो हो, बड़े भाई मानो हो, जो आपका भाईचारा है या फिर जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी टीम किसी है, किस आपके मतलब तैयारी है? अग्नि करके टिकट मिले पाछा है जी बुरान, और टिकट नहीं मिले तो अपना जोड़ा है वो नहीं। भाई मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमने चर्चा की थी ना पहले भी, हमने 10-12 साल यहाँ स्टूडेंट की राजनीति करी, प्लस 1979 से लेकर के मैं इंडियन नेशनल लोकदल का मैं वर्कर रहा, उससे हमारा 30-35 साल से हर घर में डायरेक्ट जुड़ाव है। छात्र राजनीति में कह लिए पूरे शहर के अंदर, चाहे वो अग्रवाल था, पंजाबी था, ब्राह्मण था, हरिजन चमार जाति से था, वाल्मीकि था, बाड़ी लुहार कुम्हार कश्यप था, गुज्जर जाट था, हर घर में मेरी सीधी एंट्री थी, सीधी मतलब पर्सनल रिलेशन हो रहे पर्सनल जी। और जब हम चुनाव जीत जाते थे उससे एक और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मिलता था, ताकत मिलती थी, तब नए साथी बहुत ज्यादा जुड़ते थे। तो वो पुराने हैं कि नहीं? सारा पूरा का पूरा टोटल ग्रुप वही, आज टिकट भी वही मांग रहे हैं सारे, और चुनाव भी पुराना ग्रुप वही का वही, जैसे आपने कहा था ना गुज्जर ग्रुप। आपको एक और बता, हम कॉलेज में जाट ग्रुप गुज्जर ग्रुप नाम से चुनाव लड़ते थे, पर ईमानदारी से कहूंगा आज यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल बात है, जब मैंने दोनों बार चुनाव लड़ा टोटल जाट ग्रुप वाले छात्र मेरे दोस्त क्लास फेलो सारे पैसे लेकर के पैसे से मदद करके गए, और टोटल ने अपने अपने रिश्तेदारियों में आए और वोट दिलवा करके गए, वो साथी भी मेरे साथ हैं आज भी सारे। अच्छा, ये टिकट का जो रुका गिर रखा है, ये आपके कार्यकर्ता आपको ला रहे हैं भाई टिकट मिलेगी टिकट मिलेगी टिकट मिलेगी, वो तो नहीं है? नहीं, वो तो मैं छोड़ रखा है कर्मो भाई, वो तो मैं खुद भी आपके सामने कह रहा था भाई क्लास ने ऊपर समझो कि नीचे समझो, मैंने आपको ये कहा था कि भाई मैं क्लास ने टिकट वाले मामले में मेरा कंपटीशन में मानता ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी टिकट है, मैंने 5 साल काम कराया है भाई। मेरी भी अपनी बात छोड़िए, पूरे शहर के लोग
मेरा टिकट मांग रहे हैं। आप कहीं किसी कोने में चले जाइए, मतलब व्यापारी से, कर्मचारी से, माताओं से, बहनों से, बरादरी बेस पे, चमार में, बाल्मीकि में, बाड़ी लोहार कुम्हार में, गुज्जर जाट में, बनिया में, पंजाबी में जाइए, सारे आप खुद ये कहेंगे भी वाक्य में आपकी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी है। अच्छा जी, क्योंकि नरवाना तो रिजर्व में आ गया था, फिर सुरजेवाला परिवार इधर आ गया, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की हम बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो बंद मुट्ठी थी वह जींद का बाई इलेक्शन में खुल गई और उसकी पोल खुल गई। ईब रणदीप सुरजेवाला के साथ जब हम संपर्क करा हैं या फिर जो हमारे पास इनपुट हो, गलम पट्टा बांध रहे इस टाइम, तो उनका भी अभी तो मैं स्वास्थ्य लाभ ले लूँ, पहले केरला के अंदर इलाज चल रहा है। तो रणदीप सुरजेवाला की जब चुनाव लड़ने की बात आवा है उस टाइम तो नवाज है भी लीला गुजर को खड़ा करो ताकि इसको टक्कर दे सके। ये जो चीज़ें चल रही हैं राजनीतिक बाजार में, जो ये बात चल रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि रणदीप, मतलब रणदीप को हराने की बात आवा है या रणदीप का नाम लेकर टिकट लेने का सिस्टम बना रखा है? मैं खुल के पूछना चाहूँ भीतर की बात, खुल के बताता हूँ आपको। रणदीप की टक्कर देने में लोग हैं भाई, लीला गुजरे देश के रणदीप तो टक्कर दो। छोटे में ऐसे है जैसे आपने अपने टीवी चैनलों पे या वेद शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, सुनी है, जब उन्हें सुनाते थे कि गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये मैं उस बात से जोड़ रहा हूँ रणदीप जी को। रणदीप बड़े नेता है और हमारे विधायक भी हैं, परंतु मैं ईमानदारी से एक बात कहूँगा कि ये जींद वालों को श्रेय मिलना था, उन्होंने ले लिया। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी का मेरे को पिछली बार आशीर्वाद मिलता, मैं रणदीप सुरजेवाला को पिछले विधानसभा के चुनाव में कैथल में ही हराता, परंतु ये श्रेय भागीरथ जी की तरह जींद वालों को मिलना था, उन्होंने ले भी लिया। आपने तो उसमें क्या दिया मारा, अपने देश से मैंने कहा कि मैं तो पुआ का जी उतरे था, ऊपर तो फूफा लेना है, ठीक है। नहीं, कैथल के लोग इसको हराना चाहते हैं, परंतु ये सच्चाई है कि थोड़ा ऐसा वो ये जरूर चाहते हैं कि भी कोई उम्मीदवार आए, कोई आए, मैं ये नहीं कहता मैं ही, वो अपनी पसंद का उम्मीदवार जरूर चाहते हैं। क्यों चाहते ही नहीं मैत्री की, मैं आपका नू जो टिकट ना मिला करते नू ना 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 बिल्कुल नहीं है, मेरा पुराना नू धक 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 नू लग रहा है, तजर्बा हो गया टिकट नहीं मिला करते। ये मेरे साथी बैठे हैं राम कुमार नैन जी हैं, दलेन राठी जी हैं, पाल शर्मा हैं, ये नहीं जीने दें दे। नहीं मैं तो कह दूं भाई पर टिकट कर रहे आ जाएगी और पार्टी सोच समझ के रिपोर्ट देगी, ग्राउंड रिपोर्ट को देख के वोट देगी। ठीक जगह में आपने, ये बैठे हैं साहिल राणा और युवा है, राजेंद्र सैन जी है, सारे सत्यवान चमार जाति से, ये सारे इनका गुदगुदी है भाई, कदे बड़ा खमे टिकट रह जाए गलती दे, नहीं इनको विश्वास है टिकट आएगी। अच्छा नहीं आपने अलर्ट करना है भाई, छाने वाला नहीं बढ़ जाए काम, फलाने तक वो पार्टी ने देखना, वो पार्टी जो निर्णय लेगी उसमें हम पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्णय के साथ है, पार्टी की रीति और नीति में विश्वास रखते हुए पार्टी जिसको टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी, उसकी मदद करेगी। पाँच साल में रीति नीति समझ में आ गई सारी, काफ़ी हद तक समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी का लंबा चौड़ा इतिहास है, पूरा नहीं मैं कह सकता भी निपुण हो गया, परंतु काफ़ी समझ में आ गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो है चित्र, तो इनको भी कुछ तो पढ़ लिया होगा, इनको भी काफी पढ़ लिया जी, हम पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़ लिया, असल में तो पढ़ते लिया, समझ भी लिया, समझ लिया। और भाई देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी क्या सोच है, मैं ईमानदारी से राजनीति से ऊपर हटके कह रहा हूँ कि हमने काफी इनको समझ भी लिया, पढ़ना तो दूर की बात, समझ भी लिया जी। खट्टर साहब से बढ़िया है जी, बढ़िया जानते हैं, नमस्ते, राम राम, बहुत अच्छी मुलाकात होती है और वो मिलनसार आदमी है और सरल स्वभाव के नेता है। सबसे बड़ी जो उनकी खूबियाँ की, एक ईमानदार नेता है, उसमें आदमी का अपना आप ही विश्वास बनता है। और मैं कल का तो पता नहीं, मैं भी कर्मू भाई अपने आप को एक ना छोटा सा ईमानदार कार्यकर्ता समझता हूँ, और ईमानदारी को मैं तो नहीं लगा आपने, मेरे को पूरी उम्मीद है अपना हरियाणा उनका होता है ना, दिहाड़ी कभी नहीं मरती। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। चलो जो भी आपने मतलब तक पहुँचे हो 40 साल में तक, तो वही हमने लीला राम गुज्जर प्रधान जी के नाम से जो मशहूर है उनसे देशी मुलाकात करी और इन तय कड़वे मीठे खाटे तिखे सारे सवाल करे, जलेबी वर्गे सीधे सीधे जी, जलेबी वर्गे सीधे उलझे ना, मैंने उलझे कह दूंगा तो फिर घने उलझे जलेबी कह, तो मैंने तो जलेबी वर्गे सीधे कहना पड़ा है। और करेला वर्गे मीठे जी, करेला वर्गे मीठे सवाल करे, ईब इलेक्शन का डमडमा बाज रहा है, ठीक मतलब नु समझ लो
2 महीने के अंदर सारा कुछ तारीफ वगैरह आ जाएगी, इलेक्शन कब होने हैं असम्बली के हरियाणा के, और भाई टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है और प्रधान जी तो बैठे निश्चिंत होकर भाई टिकट तो आवेगी और टिकट आवेगी तो उसके बाद तो इनका कॉन्फिडेंस है ही है नू भाई आराम से जीतेंगे और बड़े बड़े की कड़ लाने तैयार बैठे हैं कोई आज अखाड़ा में। और दूसरी बात, टिकट ना मिलने की पोजिशन पर इनका केरा होगा रुख, वह भी देखने की बात होगी। फिर भी हम पहुँचाएंगे, टिकट मिलेगी तो भी पहुंचेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो भी पहुंचेंगे और भीतर की भाप कटवाएंगे इलेक्शन। क्या रहेगा रुख? मैंने क्लियर तो कर दिया पार्टी के साथ, पार्टी की नीति रीति के साथ ना, टाइम टाइम पे बदल जा रहा नहीं, नहीं कभी नहीं। अब मेरी लाइफ का तजुर्बा देखो, मैंने आपको ये कहा था कि मैं इनेलो में भी 34 साल रहा, पहली बार टिकट नहीं गई थी, 4 बार कटी, यानी कि 34 साल उसमें रहे तो 34 साल तो काट दो इसमें भी, जिंदे रहे जरूर काट दो ना, बढ़िया है। तो इसमें तो आपका कितनी उम्र हो रही है आपकी? 58 साल लग दे गुना 58 के तो आपका बड़प्पन। चलो जी, देसी मुलाकात करिए भाई, अगली देसी मुलाकात अलग विधानसभा क्षेत्र में पूछेंगे जाकर उस नेता के दिल में मन में दिमाग में के है और करेंगे उससे देसी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े, राम राम जी। मैं उधारा देसी पत्रकार करमू जय हरियाणा, थैंक यू, धन्यवाद।